सात महीने की बेहद खूनी जंग के बाद इसराइल ने कबूल किया कि हमास एक बार फिर से गाजा पट्टी में जिंदा हो चुका है। गाजा युद्ध में अब तक 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से रफा में मौजूद हमास की 4 बटालियन इजरायली सेना पर खूनी हमले कर रही उसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ा कर रख दिए। जानकारों का दावा है कि अगर जल्द ही रफा से हमास का सफाया नहीं हुआ तो इसराइल पर हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा कर सकता है। फिर ताकतवर हुआ हमास, आखिरी गढ़ में IDF का हमला। 7 महीने से ज्यादा की जंग के बाद अगर सवाल किया जाए क्या इजराइल हमास को हरा चुका है, तो इसका सीधा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। बल्कि हमास 7 अक्टूबर 2023 को हमला करने के बाद कुछ महीने जरूर कमजोर पड़ा था, लेकिन 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद हमास फिर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अब रफा, जबालिया और खान यूनिस में इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा है। रफा में घुसे मरकावा टैंक, सुरंग से हमास के हमले। जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसकी हर तस्वीर में इजराइल के टैंक और सैनिकों के चीथड़े उड़ते दिख रहे हैं। हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है हमास के लड़ाके बारूदी सुरंगों और बम को इजराइल के मरकावा टैंक के नीचे लगाकर उसे उड़ा रहे हैं। इजराइल के टैंक से महज 10 से 20 मीटर दूर मौजूद सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके रफा में इस तरह से रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल 4 बटालियन ही बची होने का दावा किया गया है, जो इस वक्त रफा में इजराइल पर हमला कर रही है। बेशक इजरायली सेना दावा करे कि उसने हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन देखा जाए तो हमास के हमले के तरीके और उसकी संख्या पर खास असर नहीं पड़ा है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजरायल ने हजारों टन बम बरसा दिए हैं, लेकिन गाजा पट्टी को